गाइस आज मैं लेने जा रहा हूँ स्पेशल पैरेट, जिसका नाम, उसका नाम क्या है? येलो साइडेड कॉर्न्यूट, पता नहीं क्या ये अजीब नाम से, जो भी है पर बड़ा सही है, स्वीट्स है हमें ना। ललिता पार्क में, लक्ष्मी नगर का ललिता पार्क में गली नंबर 8 पे एक भैया है, उनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, मैं लिंक शेयर करूँगा। वो CA भी फाइनल में है और इस टाइप का वो शौक रखते हैं पक्षियों को पालने का, तो आप ले सकते हो, मतलब देख लो, मैंने फोटो वोटो भी खिंचवाऊँगा। ठीक है, बाय। कुछ भी हुआ देखो, ये तो सबसे ज़्यादा बोलता है, सबसे ज़्यादा बोलता है। इसका नाम क्या है भैया? अफ्रीकन ग्रेट। 60,000। फिर भी एक इनिशियल पॉइंट होता होगा ना कि यहाँ से मिल रहे हैं। नहीं भैया, ये सभी इंडियन फॉरेस्ट, ये मुगलों से पहले से है। हाँ वो तो मैं समझा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं रहा। हाँ अभी कल को भैया भैया लेना है इसका, ऐसे दिखा रहा था, बाहर नहीं निकला ना तू। नॉर्मल तोता है ना, मतलब तोता है ना ये? नहीं नहीं, ये पहाड़ी तोता है। ये भी तोता है, ये भी पैरेट। तोते तो ये सारे हैं। ये सो रहे होंगे आगे। ये आइसलैंड का बर्ड है। अच्छा, वो अफ्रीका का बर्ड है। तो यहाँ के एटमॉस्फेयर में कैसे रह पाते हैं अगर ये आइसलैंड का और अफ्रीका का? और ये कितने महीने के होंगे लगभग? ये लगभग 90 महीने का। और इनकी लाइफ कितनी होती होगी लगभग? अफ्रीकन ग्रेट 50 का जाता है। और ये भी, और इनकेस ये मान लो इनकेस पिंजरे से भाग जाए है ना, जैसे आपके उसमें हुआ, तो फिर क्या करें? इसके पास ही रहेगा। हाँ तो इसे बाहर चील वगैरह मार दीजिए। हाँ नहीं मारना चाहिए इसे, एक्सोटिक पेट्स को कभी नहीं मारना चाहिए। हाँ ये यहाँ सर्वाइव नहीं होता, या फिर किसी इंसान अगर हैंड टेम है तो फिर किसी इंसान के पास जाए। और ऐसा भी है कि फिर जैसे आपने तो पंखा ही लगा रखा, पंखे कैसे चलेंगे घर के? पंखे फैन कट करके देता हूं, बोलता हूं फैन इतना मिलेगा तो लाइट कर पाए, हर जगह लाइट लगेगी। अच्छा, तो फैदर कट करवाना रहता होगा। भाई एक ना वीडियो बना दो, डाल दो। ये हमारे लिए बहुत वो है कि हम मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बस वीडियो बना था। से हाय, से हाय, गुस्से में बहुत ज्यादा अफ्रीकन ग्रे। और इनका बच्चे वाला रूप है अफ्रीकन, अफ्रीकन ग्रे। ये तीन सेनेगल है, ये दोनों हैं। इसी ऐसे वाले हैं वो। ओह माय गॉड, ये अफ्रीकन ग्रे जब छोटा होता है ऐसा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। ओह माय गॉड, भैया आप कब से कर रहे हो ये सब? लगभग इसका कोई, मैं अगर बिजनेस को एक पर्पस से देखो तो 2.5 साल। इससे पहले से तो मैं बहुत पहले से पालता था। पैशनेट बचपन से ही। इनिशियल बर्ड कौन सा लेके आए थे आप फिर? मैं बजी से स्टार्ट किया। अच्छा, बजी से स्टार्ट किया था, देन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे भी। ये मेरा दोस्त है, मतलब चार टीम है ना हमारे, चार लोगों की टीम है, उसमें से हम 3 CA फाइनल। अच्छा गुड यार, वो भी गुड गुड गुड। तो ये प्रॉपर वो भी अंदर बना हुआ है ना, मैं अंदर भी चल सकता हूँ लेके? चलो चलो चलो, लेट्स गो इनसाइड एज वेल। ओह माय गॉड, सी मिनी चिड़ियाघर यू कैन से। ओह फक,
बेसिकली अगर आप बर्ड लेके जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी होंगी, तो उसके लिए क्वेश्चनर पूछ रहे हैं मेरे भैया हैं चांद भैया, ये लेने आए हैं ये वाला बर्ड, इसका नाम क्या है? येलो साइडेड कॉनी, ठीक है। अभी फिलहाल में ध्यान रखना है वो रखना है इनकी डाइट पे, और अभी ये छोटा बच्चा है 3 महीने के अप्रॉक्सीमेटली पहुंचा, वो ऊपर चल रहा है, तो हमें टेम्परेचर का भी थोड़ा सा कॉन्सेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर आपको मेंटेन कर रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जब तक ये अडल्ट ना हो जाए, 8 महीने का ना हो जाए, 10 महीने का ना हो जाए, तब तक के लिए अभी सर्दियों तक में रखना है, गर्मियों में तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। मॉर्निंग में आपने सब कुछ स्टार्ट करना है स्प्राउट्स या वेजीज में से, कोई भी आप चूज़ कर लीजिए कि आप स्प्राउट्स लगाना चाहते हैं या वेजीज लगाना चाहते हैं। स्प्राउट्स में आपके आ जाते हैं गेहूँ, काला चना, दालें और एक दो पीस आप राजमा के दे सकते हो, और या जो काबुली चने होते हैं वो दे सकते हो, दो एक दो पीस। आपने इतना लिमिट में देना कि आपका वेस्ट ना हो, और वो हार्डली टू हार्डली हाफ एन आवर या एक आवर में ख़त्म हो जाए, 1 आवर में ख़त्म हो जाए। लेकिन जितनी ये इसकी डिब्बी है इतना भर के दे दें बहुत है, भर के तो बच जाएगा, बच जाएगा, आपने सिर्फ उतना ही देना है, मतलब तकरीबन मान के चलो एक बर्ड को हम लोग जो क्वांटिटी बनाते हैं वो 1 स्पून होती है, 1 टीस्पून। अच्छा हाँ, 1 टीस्पून ही खाना उसका, मतलब एक टाइम का मील हो जाता है, एक टाइम का मील हो जाता है। आपने पूरे दिन में अगर आप बताना चाहते हो कि मैं 3 मील देना चाहता हूँ अपने बर्ड को, जैसे हम भी कई बर्ड को 3 टाइम मील देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ऑल्टरनेट बनाते रहते हैं, जैसे 8 o'clock को हमने बना लिया वेजीज, ठीक है, उसका फिर हमने 2 बजे बना दिया स्प्राउट्स का, फिर हमने रात शाम के टाइम का बना दिया हमने सीड्स, क्योंकि सीड्स तो थोड़ा ही समझ लो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कोई भी बर्ड जो होता है उसे हमेशा तोड़ के खाने की आदत होती है, वो सिर्फ सीड्स के साथ होती है। वेजीज, वेजीज में मतलब क्या क्या चीज़ें? सारी सब्जियाँ, सारी ग्रीन वेजी सबसे बेस्ट है, पालक हो गया आपका, मटर हो गया आपका, शिमला मिर्च हो गया आपका, गाजर हो गया, चकोंदर हो गया, जो जो सीजनल वेजीज है आपको देने ही देने हो, ठीक है। और वो चीज़ देनी सबसे अच्छा है कि आप ज़्यादा पैसे ना वेस्ट करके जो आपके घर में जो आपकी आधी सब्जी है, ठीक है, जब घिया बन रहा है, कद्दू बन रहा है, गाजर, जो चीज़ें नॉर्मल आती रहती है बस हमें वही चीज़ देनी है, ठीक है। बनी हुई कच्ची, कच्ची कुछ पका हुआ नहीं होना चाहिए, पनीर वगैरह भी खा लेते नहीं, मिल्क प्रोडक्ट कुछ नहीं देना, मिल्क प्रोडक्ट कोई नहीं। और अगर दोनों चीज़ें दे, जैसे अगर वो भी दे, स्प्राउट भी दे और वेजीज भी दे, तो दे दो आपकी इच्छा। अच्छा, जैसे ऑल्टरनेट चॉइस है वो आपकी मर्जी है, आप 2 टाइम से सलाद बना के दे दो, ठीक है, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, आपने सॉफ्ट फूड जो भी होता है वो आपने 4 घंटे में हटाना है, ठीक है। और बारिश, जब रेनी सीजन रहता है, बारिश का टाइम रहता है, उसमें हमें 1 घंटे से पहले पहले हटाना पड़ता है। क्या हटाना पड़ता है? सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट फूड एज इन कोई भी हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर सॉफ्ट फूड समझे, स्प्राउट्स हो गए आपके, वेजीज हो गए। अच्छा, ये सॉफ्ट फूड रीजन, मतलब रीजन ये होता है कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी आता है उसके ऊपर, फंगल इन्फेक्शन, बारिश वाले मौसम, बारिश वाले मौसम, और नॉर्मल गर्मियों में होगा ये होगा 4 घंटे में आपको हटाना होगा उसके अंदर अंदर, ये नहीं कि 4 घंटे बाद आप आराम कर रहे हो कि वहाँ पे मैंने सुबह दे दिया 8 बजे तो मैं आऊँगा आराम से हटाऊंगी, वो होना ही चाहिए, हटना ही चाहिए, और फेंक के वॉश करके हर चीज़ हटा के फिर दूसरे शब्द, जैसे मैंने उसको सुबह 8 बजे खिलाया, उसके बाद 2 बजे खिला दिया, फिर शाम को 4 बजे फिर उसके बाद रात को, और सिर्फ इतना डाइट देना कि 1 चम्मच 2 चम्मच बस सफिशेंट है, बाकी पानी उसके दूसरी कटोरी में पड़ा रहे उसका जो मन करेगा पी ले। नहीं, सर्दियों में हम लोग पानी रात में हटा लेते हैं, क्योंकि वो लोग नहा लेते हैं, कन्यूज की सबसे गंदी आदत होती है वो कभी भी नहा सकते हैं, ठीक है, वो कभी नहीं छोड़ते, उन्हें नहाना ही नहाना है, तो हमें रात में हटाना है, दिन में नहा ले कोई दिक्कत नहीं, रात में नहीं नहाना चाहिए, बर्ड नहीं तो बीमार होने के चांसेस आते हैं, ठीक है। और इनको नहलाने का क्या सिस्टम है? नहलाने का कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, आप पानी भी रखोगे तो भी नहा लेंगे, लेकिन हम लोग जो बताते हैं वो बताते हैं नेचुरल तरीका कि यूज़ करना चाहिए, नो मेडिसिन, ओनली नेचुरल, क्योंकि जंगलों में जो चीज़ें करते हैं वो लोग, हमें वो चीज़ देनी चाहिए, जैसे आपका नीम के पत्ते हो गए या एलोवेरा की जेल हो गए, जो आपके चीज़ें मिल सकती है हमारे एनवायरनमेंट से, वो यूज़ करना चाहिए। नीम के पत्ते लाओ, बॉयल करो, थोड़ा स्प्रे कर दो, तो कभी एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल इन्फेक्शन नहीं होते उससे, कभी फैदर में शाइन क्वालिटी अच्छी आती है, ठीक है। बर्ड डिवॉर्म भी अपने आप कर सकता है, अपने आप जब वो नीम के जाएंगे। ये और कितना बड़ा होगा? ये थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे आपने अंदर देखा था थोड़ा सा बड़ा होगा, टेल बड़ी होगी थोड़ी सी बस। और इसमें हेल्थ इशूज ज़्यादा आते हैं? हेल्थ इशूज़ नहीं आते, बट हाँ ये चीज़ होना चाहिए, सफाई का ध्यान होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। और
थोड़ा बस हमने ये चीज़ का ध्यान रखा सफाई का। और जैसे देखिए मेन मेरा यही था कि जो हम खाते हैं नॉर्मल वही खिलाएं, हाँ ये और कुछ नहीं रखना कि भाई ये मतलब स्पेशल कुछ ऐसा नहीं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम कॉल करना है हमें, ठीक है, क्योंकि एक केस ऐसा आया था जिसमें नींबू के साथ जैसे हम लोग सलाद वो स्प्राउट में नींबू डाले खाते हैं उसमें बर्ड को भी ऐसे ही खिला दिया था तो उसे हो गया था पैरालिसिस, ठीक है। तो उन्होंने एक दिन खिलाते तो हम फिर भी डील कर लेते, उन्होंने चार दिन कंटिन्यूसली खिलाया उसका तो केस आया था। तीन महीने तक उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। स्पेशल खुश होकर क्या खाते हैं पर्टिकुलर कोई सब चीज़? ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ये करनी हो छोड़ दें, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खिला सकते हैं, वेजी स्प्राउट्स का सलाद बना दो, फ्रूट्स का अलग से कर सकते हो कि एक टाइम आप फ्रूट्स दे दो। सर्दियों में पपाया यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है, मतलब एप्पल यूज़ कर सकते हो सबसे बेस्ट, एप्पल गुआवा यूज़ कर सकते हो। और सबसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो एग वगैरह खाते तो उसमें सबसे अच्छा रहता है कि एग फूड होता है जो सर्दियों में हम लोग यूज़ करते हैं, वो रहता है कि सिंगल बर्ड है आपके पास तो 1/4 एग का बॉयल एग करो और 1 slice ऑफ ब्रेड उसको अच्छे से मैश करो, 2 या 3 drops ऑलिव ऑयल के डालो, अगर बजट थोड़ा कम है तो तिल का तेल खाने वाला होता है वो यूज़ करो, उसको मिला दो अच्छे से और सर्व दे दो, बट आपका हमेशा एक्टिव और अच्छा रहेगा। बाकी डाइट का लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन 21-25। कॉकटेल का इतना नहीं होता, कॉकटेल का रहता है ऐसे एक्सपीरियंस के हिसाब से और देखा जाए तो 12-15 है, बट 20 साल भी है, 18 साल के कॉकटेल है अभी जिंदा, बट दे आर मोर एक्टिव देन कॉक, या दे आर मोर प्लेफुल देन कॉकटेल। मैं तो 3 साल का बेटा है, मैं सोच रहा हूँ लगा रहेगा इसके साथ, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं कन्यूज में, सबसे मतलब एक बाइट तो नहीं करते कन्यूज बाइट नहीं करते, लेकिन इनके अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी होती है वो नेचुरल है, उसका कोई चेंज नहीं कर सकता, ऊपर वाले ने बनाया कि चुई हैबिट करने की, ठीक है। वो कोई भी चीज़ पर बैठेगा चुई करेगा ही, दांत मारेगा ही मारेगा, किसी चीज़ पर भी करेगा दांत मारेगा मारेगा, ठीक है। इनके लिए कोई स्पेशल कोई ऐसी स्टिक या कुछ है ताकि उसको लग रहे हैं, जैसे डॉगी आती है स्टिक्स आती है टेंशन वाली? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप सिर्फ दे सकते हो टॉयज, उनकी सबसे अच्छा है टॉयज के नाम पे। मैं सही बोलूँ तो टॉयज के नाम पे पैसा फूकने से अच्छा है कि आप नीम की जो डंडियाँ होती हैं वो यूज़ करो, सबसे बेस्ट है, वो चबाता रहेगा अपने आप को ठीक होता रहेगा। अभी ये मेरे हाथ का वो नहीं हुआ ना, टाइम लगेगा। सर्दियों में हमें थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है, ये थोड़ा रीज़न रहता है सर्दियों में, थोड़ा सा बड़े होने पर नहीं होता लेकिन ठंड में तो बच्चों के साथ थोड़ा रखना पड़ता है। अच्छा अभी नीचे देखो 200 वाट के बल्ब चल रहा है, 100 वाट के बल्ब चल रहा है, इसलिए केज नहीं है, प्रेफर करते हैं मैं इतना केज नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए बर्ड अपने आप को, पूरा बड़ा केज रखूँगा। बस ये है कि अपना और कोशिश ये करना कि ज़्यादा से मतलब आपने 3 से 4 घंटे देना है और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहे, जैसे आपको पर्च देख रहे थे वैसे ही पर्च बैठा रहे, ठीक है। सर थोड़ी ये तो अमेजन अफ्रीकन ग्रे के लिए पर्च है, आप थोड़ा पतला पर्च बनवा लें, आपको महंगा पर्च नहीं बनता, सस्ता ही बनता है, 100-800 हज़ार रुपये के आसपास बन जाएगा। ओए पकड़ ली उंगली। नाम हम तो अपने कुछ रखे नहीं, हम नाम वो हम नाम हमने रखना छोड़ दिया। ऐसे बोलते भी हैं कुछ नहीं, मिमिक कर सकते हैं, बालों की तरह उनको पता होता है कि फैदर कट हो गया, अगर उसे पता चल गया ना कि उसके फैदर कट हो चुके हैं तो बहुत गंदा खिलस जाएगा ये, अभी तक उसको पता नहीं है, पकड़ रखा है उसको, अजीब नहीं लग रहा क्योंकि पकड़ रखा है उसको, बस अभी ये इसको थोड़ी देर में पता चलेगा फैल जाएगा। अभी वीडियो बना देखो, जब ये वाइट और ब्लैक देख रहे हो यहाँ पर, इसको दर्द होता है जब ये ऊपर वाला हिस्सा कटेगा, जब प्योर वाइट आ जाएगा, जबकि इसका अंदर का पार्ट जाएगा तब इसको दर्द होगा, ब्लैक तब खून भी निकल जाएगा और रोकना भी मुश्किल हो जाता है उसको, ये तो बालों की तरह ही वापस फिर बढ़ जाएंगे, हर 4-5 महीने में 6-7 महीने लग जाएंगे। हाँ ऊपर बिठाना भी, ओ भाई साहब ये मेरे हाथ पे बैठा है ये।
किसी घर में नहीं, इतना इतना प्यार नहीं अभी मुझे। ये तो करते हो बेसिकली लक्ष्मी नगर में ललिता पार्क में गली नंबर 8 में ये भैया रहते हैं और यहाँ पे मिनी चिड़ियाघर बना रखे हैं उन्होंने। घर के माइक हटा के बोलता हूँ, तो बेसिकली लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क में गली नंबर 8 में ये भैया रहते हैं, इन्होंने इस घर को मिनी चिड़ियाघर बना रखा है और इस मिनी चिड़ियाघर के अंदर अलग अलग टाइप के तोते हैं, मेरे को नाम भी नहीं पता, मतलब ये अफ्रीकन समथिंग था, वो यूएस समथिंग है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक और लुक ना, फाइनल लुक। तो ये अच्छा है, मतलब अगर आपको लेना हो तो इनका एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, उसका लिंक मैं बायो में शेयर कर दूँगा। और थोड़े महंगे हैं, 60,000 10,000 टाइप्स के हैं, 50,000 70,000 टाइप के हैं, तो देख के बाकी डिटेल्स में।